Okay, so let's start. If my voice is audible, then just write a yes. If my voice is audible, then just write a yes. ओके तो बैकग्राउंड टू सप्लाई स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। सबसे पहले तो रैशनल प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या होता है। रैशनल प्रोड्यूसर बिहेवियर ये होता है कि जो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फर्म्स हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। और प्रॉफिट को वो कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या तो कॉस्ट को ऑप्टिमाइज रिड्यूस करके, या फिर सेम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रोड्यूस करके। तो कॉस्ट आपका सेम रहेगा, आउटपुट विल इंक्रीज, या फिर कॉस्ट आपका कम रहेगा, आउटपुट रिमेन्स द सेम, या फिर दोनों, यानी कि कॉस्ट बढ़ेगा और आउटपुट बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगा, सॉरी, कॉस्ट कम होगा और आउटपुट बढ़ेगा। दिस इज हाउ यू कैन अ फर्म कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट थ्रू एनालिसिस ऑफ प्राइस एंड कॉस्ट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अभी तक हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है, आज हम लोग चैप्टर 6 का जितना भी पोर्शन हो पाएगा वो कंप्लीट करेंगे। नाउ शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। शॉर्ट रन, आप लोगों को कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू लिसन टू मी। यू कैन कीप योर कंपाइलर ओपन, चैप्टर 6 इन योर कंपाइलर, एंड कहीं भी डाउट है तो पूछना। शॉर्ट रन थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन होता है जहाँ पे हम लोग दो चीज़ लेते हैं, वन इज़ योर फिक्स्ड वेरिएबल एंड वन इज़ योर फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल एंड एक वेरिएबल फैक्टर। बेसिकली व्हाट इज़ फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर होता है, फैक्टर क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमने किया था, व्हाट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर नथिंग बट योर इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड फैक्टर यानी कि दोज इनपुट्स विच रिमेन फिक्स्ड इवन योर आउटपुट चेंजेस। तो अगर आपका आउटपुट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आपका जो इनपुट है वो हमेशा सेम रहेगा, दैट इनपुट विल नॉट चेंज। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है। वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, जहाँ पे आपका जो इनपुट है दैट विल चेंज एज योर आउटपुट चेंजेस। योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल चेंज एज योर आउटपुट्स चेंज। जनरली क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं आउटपुट जब इंक्रीज करते हैं, आउटपुट इंक्रीज करना, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक शॉप है, ग्रोसरी स्टोर है मेरा, ठीक है। मैं वीट, राइस, दाल ये सब उसमें बेचती हूँ। नाउ माई फिक्स्ड फैक्टर क्या होगा, मेरा शॉप, मेरा यू कैन से द लेबरर्स, दो तीन जो हैं, या फिर उनको हम लोग फिक्स्ड नहीं मानते, हम लोग अपना रेंट जो पे कर रहे हैं फॉर आर शॉप विच इज़ दैट इज़ फिक्स्ड। नाउ इफ आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई सेल्स, आई विल हैव टू इंक्रीज माई लेबरर्स, दैट इज़ द वेरिएबल फैक्टर। तो जब आउटपुट इंक्रीज होगा तो द फैक्टर्स, जो लेबरर्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, दीज विल इंक्रीज, तो ये सारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट। लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में यू कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब पूछोगे कि लॉन्ग रन शॉर्ट रन ये कैसे डिफाइन होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट बिजनेसेस। सपोज हम लोग बोलते हैं एक ग्रोसरी स्टोर, उस वो अपना लॉन्ग रन उसके लिए क्या है, मे बी एक साल, 1.5 ईयर्स, अगर उसको अपना सेल्स बढ़ाना है इन द लॉन्ग रन, तो वो अपना एक और स्टोर खोलेगा, मे बी समवेयर एल्स। कॉफ़ी शॉप का बात करें, CCD का बात करें, एक स्टार्ट किया हमने एक कॉफ़ी शॉप से, ठीक है। तो अगर मुझे अपना सेल्स इन द लॉन्ग रन बढ़ाना है,
तो आई विल नॉट इंक्रीज लेबरर्स, आई विल हैव टू इंक्रीज लेबरर्स, आई विल हैव टू इंक्रीज द रॉ मटेरियल, पर साथ ही साथ वॉट एल्स आई विल हैव टू इंक्रीज, आई विल हैव टू बाई अ न्यू लोकेशन, अ न्यू प्लेस. तो वो मेरा क्या हो गया, इन द लॉन्ग रन यू इंक्रीज और चेंज ऑल योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. दैट इज़ अ लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट. शॉर्ट रन यानी कि शॉर्ट रन में खाली कुछ फैक्टर्स चेंज होंगे, कुछ फैक्टर्स रिमेन्स फिक्स्ड. Now the concept of long run, short run, that depends on the different businesses. किसी business के लिए long run 5 years होता है, तो 5 years तक you can say short run है. After 5 years is the long run. किसी business के लिए 1 साल होता है, किसी business के लिए 6 months होता है, and so on. ठीक है. Next हम लोग करेंगे law of diminishing returns, which is very important concept. Law of diminishing returns. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या होता है, जब मैं बोल रही हूँ इन द शॉर्ट रन आई एम ओनली इंक्रीजिंग सम एडिशनल इनपुट्स, सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट. तो इस केस में क्या होता है, सपोज मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, अ वेरी नाइस एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक लैंड है एंड आई एम प्रोड्यूसिंग वीट, तो इफ़ आई हायर वन मोर लेबरर तो वो और ज़्यादा मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा सोइंग ऑफ सीड्स हो पाएगा, बेटर हार्वेस्टिंग हो पाएगा, और एक मैंने फार्मर हायर किया तो मेरा सम पोर्शन ऑफ लैंड जो एम्प्टी था अभी वो भी कवर हो गया. फिर ऐसे कर करके आई एम इंक्रीजिंग माई लेबरर्स, माई प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग. बट क्या होगा, आफ्टर सम टाइम व्हेन आई इंक्रीज माय लेबरर, एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा. व्हाट इज दिस क्राउडिंग आउट इफेक्ट, एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट होगा विच इज नथिंग बट जो हमारा फिक्स्ड लैंड है उसमें लेबरर्स आर नाउ क्राउडेड, जितने लेबरर्स होने चाहिए उससे ज्यादा लेबरर्स हैं. तो इवन इफ आई हायर वन मोर लेबरर उससे मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होने लग जाएगा. दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. इसका क्या मतलब है, मैंने सपोज एक लेबरर हायर किया, इंक्रीजिंग वन लेबरर, सपोज इनिशियली आई हैड 5 लेबरर्स, नाउ आई हायर्ड वन मोर लेबरर तो 6 हुआ, तो मैं प्रोडक्शन पहले 100 होता था अभी 110 हुआ. फिर मैंने एक और लेबरर हायर किया 120, एक और लेबरर हायर किया नॉट 120, इसको 125 कर दो, इसको कर दो 145, तो कितने का इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है 15 का इंक्रीज, ये हो रहा है 20 का इंक्रीज. बट आफ्टर सम टाइम व्हेन यू इंक्रीज मोर लेबरर्स तो आपका ये क्या हो जाएगा, दिस विल नॉट इंक्रीज, दिस विल मे बी बिकम 150, यानी कि ये खाली 5 का इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ तक आपका देखो 15 का इंक्रीज हुआ, 20 का इंक्रीज हुआ इन माय टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट हमने लास्ट क्लास किया था इन चैप्टर 5, व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट, किया है क्या हमने, नहीं किया. टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, कोई बता सकते हैं. टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल आउटकम, टोटल यूनिट्स ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम with given inputs. ठीक है, total output produced per unit of time from a given unit of given amount of inputs. तो ये total product जो हमारा है ये increase हो रहा है, but ये जो addition in total product है this starts decreasing. तो इसके बाद यहाँ से your diminishing returns to your diminishing returns sets in, diminishing returns of production sets in. Clear हुआ ये law of diminishing returns, law of diminishing returns clear हुआ. एक crowding out effect, basically इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे laborers crowd हो गए on a small fixed land, तो अब हमें वापस से to increase production क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू इंक्रीज लैंड, और वो कैसे होगा, लॉन्ग रन में होगा. क्लियर है यहाँ तक, टोटल प्रोडक्ट क्लियर है. नाउ टोटल प्रोडक्ट आप लोग बहुत जगह देखोगे लिखा हुआ रहेगा टी पी पी, विच इज योर टोटल
physical product, total output produced in a given period of time. Total physical product, production function, आप लोग देखोगे बहुत जगह लिखा हुआ रहेगा. What production function हम लोग कैसे लिखते हैं, जहाँ पे हम लोग लेते हैं function of your two things. एक होता है एल एन, कैपिटल एल लिख दो इसको, कैपिटल एल भी लिखते हैं. और एक होता है एल बी, जहाँ पे एल एन इज योर मे बी लैंड विच रिमेन्स फिक्स्ड, तो इसको हमने फिक्स्ड कर दिया. तो दिस इज योर लैंड, दिस इज योर लेबरर्स, खाली लेबरर्स चेंज होंगे, लैंड रिमेन्स फिक्स्ड इन शॉर्ट रन. और वी राइट इट एज के कॉमा एल, जहाँ पे के इज योर कैपिटल, के इज योर कैपिटल, इट कैन बी लैंड, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, एंड एल इज योर लेबर. एक कॉन्सेप्ट होता है टेक्निकल एफिशिएंसी. इसका क्या मतलब है कि हमेशा फॉर्म्स आर प्रोड्यूसिंग एट अ टेक्निकल एफिशिएंट लेवल. टेक्निकल एफिशिएंट लेवल का क्या मतलब है कि जब भी फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है तो वो टेक्निकली एफिशिएंट है. टेक्निकल टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजिकली पॉसिबल जितने भी आउटपुट. सपोज़ मेरे पास लैंड है, सपोज़ मेरे पास लैंड है, लेट्स से सपोज़ 1 हेक्टेयर का मेरे पास लैंड है, ठीक है, एंड मेरे पास लेबरर्स हैं, लेट्स से सपोज़ मेरे पास 6 लेबरर्स हैं, ठीक है. तो अगर आई एम टेक्निकली एफिशिएंट, इसका मतलब मैं टेक्नोलॉजिकली एकदम एफिशिएंटली काम कर रही हूँ, तो आई कैन मे बी प्रोड्यूस 1000 kg और 10,000, इसको लेते हैं 100 tons, 100 tons ऑफ राइस आई कैन प्रोड्यूस इफ आई एम टेक्निकली एफिशिएंट. एंड वी अज्यूम that the firms are always technically efficient. Technologically, jitna possible output hai, we are producing that. Next, TPP padha. Similarly, what is AP? Average product. Average physical product bhi likhoge, dekhoge bahut jagah, khali average product bhi dekhoge bahut jagah. What is average product? It is nothing but the output produced per unit of labor. Per unit of variable factor, TPP by quantity of variable factor. QV क्या हुआ, quantity of variable factor. QV क्या हुआ, quantity of variable factor. Clear? Similarly, TPP, APP हुआ. Similarly, we have MPP. What is MPP? Marginal physical product. Marginal physical product क्या होता है? Extra output, additional output produced by employing one additional unit of variable factor. Extra output, additional output produced by employing one extra unit of variable factor. तो इसका ग्राफ सबसे पहले शेड्यूल देखते हैं कैसा बनेगा. सबसे पहले शेड्यूल देख लो, नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर नंबर ऑफ लेबरर्स बोल दो, 0, 1, 2, 3. टीपीपी क्या हुआ, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट. After some time it will start to decrease. APP क्या होता है, TPP by L. कर लो, निकालो, खुद से निकालो. TPP divide by number of laborers.
टीपीपी एमपीपी क्या हो गया, चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट विथ चेंज इन एल, एल में खाली एक का चेंज हो रहा है तो हम लोग सिंपली टीपीपी को माइनस करते हुए जाएंगे। नेगेटिव कब हो जाते हैं, नेगेटिव कब हो जाते हैं, देखो एक बार क्या हुआ, इंक्रीज हुआ एंड देन इट स्टार्टेड टू फॉल, एक बार क्या हुआ ये इंक्रीज हुआ एंड देन इट स्टार्टेड टू फॉल। ये 36 कर दो, एक बार इंक्रीज हुआ यहां पे क्या सेट इन हो गया, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू प्रोडक्शन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स यहां से सेट इन हो गया, यानी कि जब तक फिफ्थ लेबरर्स थे, जब तक फिफ्थ लेबरर्स थे या फिर हम लोग बोल सकते हैं फोर्थ लेबरर्स जब तक थे तब तक मुझे इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिला, उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलने लग गया, देयर वॉज क्राउडिंग ऑन द फिक्स्ड फैक्टर विच इज लैंड, और एक्स्ट्रा लेबर जो मैंने हायर किया उससे मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुआ बट विथ अ स्मॉलर अमाउंट, बट विथ अ स्मॉलर अमाउंट। देखो 2 से 10 से इंक्रीज हुआ, 2 से इंक्रीज हुआ, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव चला गया, यानी कि 8th लेबरर जो मैंने हायर किया उससे देयर वॉज नॉट इंक्रीज बट डिक्रीज इन माई प्रोडक्शन, डिक्रीज इन माई प्रोडक्शन। क्लियर है, इसको बना लो। देखो इसका ग्राफ कैसा दिखता है, यहां पे लेंगे यूनिट्स ऑफ लेबर या फिर बोल सकते हो वेरिएबल फैक्टर, जनरली हम लोग लेबर ही लेते हैं, टीपीपी ले लो, अब देखो ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये ध्यान दो, इस रीजन में द रीजन विच आई एम हाईलाइटिंग इन ग्रीन, ये वाले रीजन में इस रीजन में क्या हो रहा है बताओ, जैसे जैसे एडिशनल इनपुट्स आई एम हायरिंग, एडिशनल लेबरर्स आई एम हायरिंग, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन आउटपुट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग। ध्यान से सुनना, मैंने फर्स्ट लेबरर हायर किया 3 यूनिट मिला, सेकेंड लेबरर हायर किया वो सेकेंड लेबरर की वजह से मुझे कितना मिला 7 यूनिट्स मिला, थर्ड लेबरर की वजह से मुझे कितना मिला 14, तो आउटपुट तो इंक्रीज हो ही रहा है, योर टोटल आउटपुट तो इंक्रीज हो ही रहा है पर एट अ इंक्रीजिंग रेट, एट अ इंक्रीजिंग रेट, तो हम लोग बोलेंगे दैट द आउटपुट इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट एंड देन इट इज डिक्रीजिंग, सेकेंड सर्कल जो मैंने बनाया बिकॉज फोर्थ लेबरर जिसको मैं हायर करूंगी उसके वजह से ओनली 12 यूनिट्स, फिफ्थ वाले की वजह से 10 यूनिट्स, फिर 2, फिर 0 यूनिट्स, तो
my total output is increasing, but now at a decreasing rate. And a time will come when additional input will give me negative output. यानी कि अब output decrease होने लग जाएगा. तो तीन phases दिखा, पहला, दूसरा एंड तीसरा. तीन फेज अलग अलग. तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे देखो. पहले माई टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट. तो कुछ अगर हल्का मेरा थोड़ा ख़राब बने, आपके कंपाइलर में डायग्राम दिया हुआ है, इंक्रीजिंग रेट बोल सकते हैं. देखो कुछ ऐसा मैं बनाती हूँ एक साथ में, देन आई विल एक्सप्लेन. ये मेरा टीपीपी का ग्राफ बना. सबसे पहले इट इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, देन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग. अभी भी इंक्रीज ही हो रही है, अभी भी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट मेरा इंक्रीज ही हो रहा है, बट नाउ एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव. यानी कि देन इट स्टार्ट्स टू फॉल. मेरा कर्सर देखो, देन इट स्टार्ट्स टू फॉल. ठीक है, तो जब मैं एम पी पी बनाऊँगी तो क्लियरली समझ में आएगा. एम पी पी विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, इट विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो. तो कुछ ऐसा बनेगा, एक सेकेंड. ये मैंने इसको तीन फेज में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो एम पी पी कुछ ऐसा बनेगा. दिस इज माई एम पी पी. This is your phase 1, phase 2, phase 3. Phase 1 में क्या होता है, total product is increasing at a increasing rate, then it is increasing at a decreasing rate. यहाँ से law of diminishing returns sets in. ये लिख लो अगर लिखना है तो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट्स इन. यहां तक इनफैक्ट ये वाला जो चीज है, यहां तक ये जो है, दिस इज योर इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड देन इट स्टार्ट्स टू फॉल. कंपाइलर में तीन लाइन बनाया हुआ है, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. ये मैंने तीन अलग अलग फेज दिखाए. कंपाइलर में जो एक और लाइन बनाया ना, वो इधर के लिए बनाया है, इधर के लिए. ये वाला लाइन बनाया कंपाइलर में, जहाँ पे योर एम पी पी एंड टी ए पी पी इज इक्वल. तो ये एक बार मैं हटा देती हूँ, बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा अदरवाइज. ठीक है, दो तीन अलग अलग फेज में मैंने बांट दिया इसको. किसी को कोई भी डाउट आ रहे तो पूछो. कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो देखना है इधर. व्हाट इज एम पी पी? MPP is the slope of the TPP curve. Point of inflection में एक line होगा. Point of inflection नहीं बोलते हैं उसको सुमेधा. ये जो हमने बनाया है ना, यहाँ पे एक line बनेगा.
ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेक्शन नहीं बोलते हैं उसको हम लोग. ओके, सो दो तीन ऑब्जर्वेशंस, पांच छह ऑब्जर्वेशंस इनफैक्ट जो हम लोग को देखना है. सबसे पहला तो कि एमपीपी क्या होता है. एमपीपी इज द स्लोप ऑफ द टीपीपी कर्व. तो अगर आपको दो पॉइंट के बीच में एमपीपी निकालना है, तो दो पॉइंट के बीच में, यानी कि सपोज आपको निकालना है इधर एंड इधर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, सो सिंपली जॉइन दीज टू पॉइंट्स थ्रू अ स्ट्रेट लाइन एंड मेजर द स्लोप. तो इस दोनों पॉइंट के बीच में व्हेन यू मेजर द स्लोप, यू विल गेट योर एमपीपी. क्लियर? दूसरा चीज़ मैंने दिखाया कि टीपीपी इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट व्हेन एमपीपी इज इंक्रीजिंग. व्हेन एमपीपी स्टार्ट्स टू फॉल, टीपीपी इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट. एंड व्हेन एमपीपी बिकम्स नेगेटिव, टीपीपी स्टार्ट्स टू फॉल. तीन चीज, पहला टीपीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट जब एमपीपी इंक्रीजेज. व्हेन एमपीपी डिक्रीजेज, टीपीपी इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट. व्हेन एमपीपी बिकम्स नेगेटिव, देन टीपीपी स्टार्ट्स टू फॉल. क्लियर? इस पॉइंट पे एमपीपी रीचेस द मैक्सिमम, विच इज फोर्थ थर्ड यूनिट ऑफ लेबरर, जहाँ पे 14 यूनिट्स ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट जो अचीव हो रहा है, इस पॉइंट पे एमपीपी रीचेस इट्स मैक्सिमम. एपीपी में क्या हो रहा है, एपीपी इंक्रीजेस फर्स्ट एंड देन स्टार्ट्स टू डिक्रीज एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट. एक चीज यहाँ देखो, जो ऑब्जर्वेशन जो आप लोग के एमसीक्यू के फॉर्म में आते हैं बहुत बार, तो व्हेन, दूसरे पेन से मैं बनाती हूँ इसको, ओके. तो व्हेन आई एम सेइंग दैट एपीपी इज लेस देन एमपीपी, एपीपी विल इंक्रीज. व्हेन एपीपी इज ग्रेटर देन एमपीपी, एपीपी विल स्टार्ट टू फॉल. एंड थर्ड वो चीज़ है, व्हेन एपीपी इज इक्वल टू एमपीपी, एपीपी इज मैक्सिमम. ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट तक, इसके पहले तक एपीपी एमपीपी से कम है, यानी कि पहला वाला चीज. इसके बाद एपीपी एमपीपी से ज़्यादा है, यानी कि दूसरा पॉइंट. एंड ये मैक्सिमम कब है एपीपी, जब एमपीपी एंड एपीपी आर इक्वल. क्लियर है ये चीज? इसका क्या मतलब है सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है? न्यू लेबरर्स, बहुत ध्यान से सुनना ये चीज, न्यू लेबरर्स जो हम लोग हायर कर रहे हैं, द एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय दीज न्यू लेबरर्स आर लेस देन द एवरेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल लेबरर्स. ध्यान से सुनो, ये क्या है? एवरेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द लेबरर्स. द एवरेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द लेबरर्स इज मोर देन द एडिशनल आउटपुट विच वन न्यू लेबरर ब्रिंग्स इन. ईजी लैंग्वेज में, मेरे पास 10 लोग हैं, 10 लोग जब प्रोड्यूस करें, ऑन एवरेज 20 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, ऑन एवरेज, यानी कि हर एक इंसान ऑन एवरेज कितना प्रोड्यूस करे, 20 प्रोडक्ट. अब एक 11th वर्कर जो मैंने हायर किया,
वो एडिशनल आउटपुट उसका 15 है, यानी कि एवरेज से कम है, एवरेज से कम है। क्लियर, समझ में आ रहे पॉइंट? ये तीनों चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट ऑब्जर्वेशन, लास्ट ऑब्जर्वेशन ये देखो, टीपीपी इज हाईएस्ट व्हेन एमपीपी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब एमपीपी इज इक्वल टू जीरो, द स्लोप ऑफ टीपीपी कर्व इज जीरो, तो वो मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम होगा टीपीपी का। क्लियर है यहाँ तक? एक बार सबको क्लियर है तो यस लिख दो। वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, आउटपुट इन द शॉर्ट रन। हमें समझ में आया टीपीपी, एमपीपी, एपीपी। अब हम लोग कॉस्ट में आएंगे, कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। एक बार यस लिख दो अगर यहाँ तक क्लियर है तो। ओके तो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, यस नो समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन ड्रॉन, लाइन ओ सी इन द कंपाइलर? ओ सी कौन सा लाइन है? ओके तो ओ सी जो लाइन है दैट इज बेसिकली सुमेधा, देखो यहाँ पे मैं समझाती हूँ। ये देखना, ये जो है, ये जो पॉइंट है, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ एपीपी। क्लियर? तो हम लोग बोलते हैं, इसको ले जाओ थोड़ा ऊपर, यहाँ पे व्हेन यू ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन, वेन यू ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द टी पी पी कर्व, वो टेंजेंट जब भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा तो हम लोग बोलेंगे दैट ए पी पी इज हाइएस्ट। तो एक बार पेज टर्न करना, कंक्लूजन जहाँ मैंने लिखा है, कंक्लूजन का सेकेंड पॉइंट रीड करना। ए पी पी इज मैक्सिमम, ए पी पी इज मैक्सिमम वेन अ रे फ्रॉम द, वेन अ रे फ्रॉम द ओरिजिन टू टी पी पी इज एट मैक्सिमम, सिंस द स्लोप ऑफ द रे इज टी पी पी बाय क्यू वी। इसका मतलब समझो, ये जो रे है, ये जो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया ब्लू वाला, ठीक है, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं सी। तो ओ से लेके सी जो मैंने बनाया, इसका स्लोप कैसे आएगा? टी पी पी बाय क्यू वी, ऐसे इसका स्लोप निकलेगा। व्हेन दिस इज हाईएस्ट तो एपीपी हाईएस्ट होगा, वही बोला है उसमें और कुछ नहीं। व्हेन यू ड्रॉ अ रे फ्रॉम ओरिजिन टू एनी पॉइंट ऑफ टीपीपी एंड दैट गिव्स यू द हाईएस्ट स्लोप, दैट गिव्स यू द हाईएस्ट स्लोप, देन दैट इज नथिंग बट योर एपीपी का हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, क्लियर है सुमेधा?
फ्रॉम द ओरिजिन बोल रही हूँ मैं, तो कंफ्यूज मत हो, स्लोप वर्ड सुन के कंफ्यूज मत होना. एमपीपी में एमपीपी इज व्हाट, स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आप स्लोप मेजर करोगे तो आपको एपीपी भी एमपीपी मिलेगा, ये वाला. कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल. क्लियर सुमेधा? When you draw any ray from the origin to the TPP curve and that gives you the highest slope, yani ki APP highest hai. Kyunki slope kaise measure karenge? Iska TPP by QV. Agar wo highest hai, matlab ki aapka average product highest hai. Theek hai? To next hum log padhenge cost in the short run. To similar concept hai. Short run yani ki कुछ आपके फैक्टर्स वेरिएबल हैं, कुछ फिक्स्ड है. तो सिमिलरली कुछ कॉस्ट फिक्स रहेंगे, जैसे रेंट. शॉर्ट रन में रेंट चेंज नहीं हो सकता. मैं अगर इस पूरे रूम में, इफ़ आई एम टीचिंग, द रेंट विल नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन बिकॉज दिस रूम इज़ नॉट चेंजिंग इन द शॉर्ट रन. दिस इज़ माई फिक्स्ड इनपुट. माई वेरिएबल इनपुट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन से लैपटॉप, दीज आर द इनपुट्स विच आर, if I am taking it as variable, these will change. So some part of the cost is fixed, some part of the cost is variable. Clear? So variable cost, fixed cost. Ek aur concept hota hai yahan pe jo samajhna hota hai. Do alag concepts hote hai. Ek hota hai explicit cost, ek hota hai implicit cost. अगेन एम सी क्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स विच आर नॉट ओन्ड बाय द फर्म. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टीचिंग एट अ प्लेस जो मैंने रेंट किया है, तो सपोज मैंने एक रूम रेंट किया है एंड उस रूम में आई एम टीचिंग, तो वो जो रूम का रेंट है दैट इज माई एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि वो जो रूम है दैट इज नॉट ओन्ड बाई मी, that is owned by someone else, and मैं क्या कर रही हूँ, उसका rent pay कर रही हूँ, that is my explicit cost. Implicit cost क्या होते हैं? Cost of factors of production which is owned by me, जो मेरा खुद का है, जो मैं own करती हूँ. Suppose now, दूसरा scenario ये है कि मैंने अपने room, मेरा एक room है खुद का, वहीं पर I started teaching. तो वो जो room है उसके लिए I am not paying the cost explicitly. तो यहाँ पे हो गया नॉट ओन्ड फैक्टर्स, ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो इम्प्लिसिट में जो मेरे, सपोज रूम मैंने मेरा खुद का है, आई ओन दैट रूम, तो उसके लिए अलग से आई एम नॉट पेइंग द रेंट, सो दैट इज माय इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो यहाँ पे इम्प्लिसिट कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यानी कि सपोज ये मेरा जो रूम है, अगर इस रूम को मैं किसी और को रेंट पे देती, सो वॉट इज़ द हाइएस्ट रेंट विच आई वुड हैव गॉट, what is the highest rent which I would have got after renting this room to someone is my implicit cost. This is a cost which I am not actually paying in terms of money, but isko hum log opportunity cost ke terms mein calculate karte hain. That is your implicit cost, opportunity cost basically. क्लियर है? अगर मैं किसी और को रेंट पे देती तो व्हाट इज द मैक्सिमम रेंट विच आई वुड हैव गॉट आउट ऑफ दिस रूम. ठीक है, नेक्स्ट इज योर संक कॉस्ट. नेक्स्ट इज योर संक कॉस्ट. संक कॉस्ट क्या होते हैं? संक कॉस्ट क्या होते हैं? द कॉस्ट विच कैनॉट बी रिकूप्ड. The cost which cannot be recouped. Recouped यानी कि suppose दूसरे किसी को transfer करके आप उसका पैसा नहीं मिल सकता. एक specialized machinery मैंने खरीदा, वो machinery खाली grains को काटते हैं, कुछ ऐसा कुछ, grains को अलग करते हैं उनके raw material से, तो वो खाली उसी के काम आएगा और कोई चीज़ में वो काम नहीं आ सकते. तो व्हेन आई स्टॉप डूइंग दैट पर्टिकुलर बिजनेस, वो मशीनरी आई कैन नॉट सेल इट टू एनीवन एल्स. फॉर एग्जांपल,
तो वो मशीनरी का जो पूरा कॉस्ट था वो अब खत्म हो गया, मतलब दैट आई कैन नॉट रिकूप, दैट आई कैन नॉट टेक फ्रॉम एनीवन एल्स बाय सेलिंग दैट मशीनरी टू समवन एल्स. तो उसको हम लोग बोलते हैं संक कॉस्ट, द कॉस्ट विच यू कैन नॉट रिकूप, विच यू कैन नॉट गेट बैक बाय सेलिंग द एसेट. क्लियर है? तो ये जो कॉस्ट है, दीज कॉस्ट आर अनअफेक्टेड फ्रॉम एनी डिसीजन यू मेक. सपोज आप दो डिसीजन लेना चाहते हो, पहला डिसीजन टू कंटिन्यू डूइंग योर बिजनेस, दूसरा डिसीजन टू स्टॉप योर बिजनेस. तो दोनों चीज़ आप करोगे, आपका वो कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर आप बिजनेस कंटिन्यू करोगे तो भी वो मशीनरी का कॉस्ट है जो कि आपको लग चुका है वो आपको लगेगा. अगर आप बिजनेस बंद भी कर दोगे तो वो जो वो आपका मशीनरी है, यू कैन नॉट सेल इट ऑफ, यू कैन नॉट गेट योर कॉस्ट बैक, तो वो ऐसे भी वो लग चुका. सो इट इज़ अनअफेक्टेड फ्रॉम द एनी डिसीजन यू मेक, वेदर यू वॉन्ट टू कंटिन्यू योर बिजनेस और यू डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू, वो कॉस्ट अब लग गया है, दैट इज दैट विल नॉट कम बैक. ठीक है? ठीक है. एक होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक होता है बहुत सिंपल. हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हुआ? कॉस्ट जो आपने पे किया था मशीनरी के लिए, कॉस्ट जो आपने पे किया था, ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी जो आपने पे करा था, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी जो आपने पे किया था व्हेन यू परचेज्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है? मैंने फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या कॉस्ट क्या होते हैं बताया था. सिमिलरली अब हम लोग देखेंगे टोटल कॉस्ट क्या होते हैं. टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. व्हाट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट? कॉस्ट विल नॉट दैट विल नॉट चेंज व्हेन यू चेंज योर आउटपुट. तो अब आप आउटपुट बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, मेरे सपोज कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी कम बेच रहे हो, ज़्यादा बेच रहे हो, रेंट तो उतना ही पे करना पड़ेगा, रेंट आपको उतना ही पे करना पड़ेगा, आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहेगा, दैट विल नॉट चेंज. बट येस, इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन, इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर सेल्स, आप ज़्यादा लेबरर्स हायर करोगे, कॉफ़ी ज़्यादा खरीदोगे, रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदोगे, मग्स एंड ऑल ज़्यादा खरीदोगे, तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा, बट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विल नॉट चेंज. ऑल ऑफ दीज टू इक्वल्स योर टोटल कॉस्ट. क्लियर है? क्लियर है? नाउ अगर हम लोग डिमिनिशिंग रिटर्न्स समझे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में हमने क्या पढ़ा था कि व्हेन यू इंक्रीज योर इनपुट योर आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेज, देन after some time it starts to increase at a decreasing rate and then it starts to fall. similar thing यहाँ पे apply करके देखो, आप laborers hire कर रहे हो, आपका production बढ़ रहा है at a increasing rate, तो आपका cost क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? you all will answer me. यहाँ पे इस portion में, पहले वाले portion में जहाँ पे जितना लेबर हम हायर कर रहे हैं, एडिशनल आउटपुट जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ इंक्रीजिंग. तो टोटल आउटपुट इज़ इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट. तो ये मुझे बताओ, पहला वाला जो मैंने सर्कल बनाया, इट तो इस केस में क्या होगा, आपका कॉस्ट विल डिक्रीज क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ कॉस्ट, एक लेबर हायर किया, फिर एक और लेबर हायर किया, तो जो एक एक लेबर हायर कर रहे हो, पैसा तो उसको सेम दे रहे हो ना, बट आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो कॉस्ट आपका कम होगा, कॉस्ट विल डिक्रीज. तो इस केस में कॉस्ट विल डिक्रीज, ये मेरा कॉस्ट का लाइन है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का लाइन है, दिस विल डिक्रीज, देन इट विल अगेन स्टार्ट टू इंक्रीज when your diminishing return sets in. एक और लेबरर जो मैंने हायर किया, उससे जो मुझे एडिशनल आउटपुट मिल रहा है वो अब डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो योर कॉस्ट विल स्टार्ट टू इंक्रीज. तो इसका हम लोग जल्दी से एक शेड्यूल बना के देखते हैं.
आउटपुट 0 1 2, ठीक है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज समथिंग विच विल नॉट चेंज, तो वो मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, उसको 12 ही रखते हैं. टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज समथिंग विच विल चेंज. टोटल कॉस्ट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा. देखो आउटपुट ऑन द एक्स एक्सिस, प्लीज पता है सब लोग ग्राफ बनाते नहीं है, बाद में अगर आप नहीं बनाओगे ना, जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू दिस, जो अभी आपको बहुत लग रहा है बहुत सिंपल है वो बहुत डिफिकल्ट लगेगा. पता है एक्स एक्सिस पे लोग गलत सलत बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, दे मेक एनी थिंग, दे मेक लेबर, दे मेक मतलब कॉस्ट बना रहे हो और उन लोग एक्स एक्सिस पे आउटपुट की जगह कुछ भी बना देते हैं. तो यहाँ पे देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा विच विल नॉट चेंज विथ आउटपुट, इट विल नॉट चेंज विथ योर आउटपुट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, इट विल फर्स्ट इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, कुछ ऐसा, इट विल फर्स्ट इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट एंड देन इट विल स्टार्ट टू इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट. तो इस पॉइंट तक क्यू स्टार तक, इसके बाद योर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स सेट्स इन. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स सेट्स इन जहां पे इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट. टोटल कॉस्ट क्या होगा, नथिंग बट एन एडिशन, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की ही शेप का होगा, बट एक गैप आ जाएगा किसका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का. ये आ गया टोटल कॉस्ट. तो ये जो गैप है, ये जो हॉरिजॉन्टल गैप है, वर्टिकल गैप है सॉरी, हमेशा वर्टिकल गैप बनाना, ये जो वर्टिकल गैप है दिस इज नथिंग बट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का गैप है. कभी भी देखना जीरो से स्टार्ट नहीं होगा टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वाला एलिमेंट उसमें हमेशा रहेगा. दिस डिफरेंस इज ऑलवेज ऑफ TFC. This difference is always of TFC. Clear है? Clear है? एक principle होता है which is called as bygones principle. इसका मतलब होता है, बहुत ही basic एक line है खाली दिया हुआ. Bygones principle का मतलब है कि जब भी हम लोग कोई भी decision लेते हैं, we make it on the basis of future cost and future benefit क्या derive होगा. We do not consider the past cost या फिर past benefits. Whenever you make any decision in future, you always take into account future benefit and future cost. We never take into account past benefit or past cost. Clear? Similarly, जैसे हमने total निकाला, similarly क्या आएगा? Average cost, which is nothing but total cost by output produced.
total cost by output produced. Again, this can be divided into two parts: average fixed cost. Average cost can be again divided. It is nothing but the summation of average fixed cost plus average variable cost, which is nothing but total fixed cost plus divided by quantity plus total variable cost divided by total quantity. देख लो. और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट, बाय चेंज इन आउटपुट, या फिर यू कैन से चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि आपका टोटल कॉस्ट चेंज किसके वजह से हो रहा है? ओनली बिकॉज ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज हो ही नहीं रहा ना. सो इफ यू से चेंज इन टोटल कॉस्ट, दैट इज सेम एज सेइंग दैट चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट. दैट इज सेम एज सेइंग दैट देयर इज अ चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट. क्लियर है? क्लियर है? तो अब लास्ट इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं. बस एक बार फटाफट इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं एक बार कैसा दिखेगा. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? टीवी टीएफसी बाय क्यू. क्यू इंक्रीज हो रहा है, टीएफसी कांस्टेंट है, तो एएफसी क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा कुछ ऐसा. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हो. दिस इज योर टी एफ सी, बेसिकली दिस इज योर एएफसी. एसी क्या होगा? अच्छा एवीसी बताओ. एवीसी क्या होगा बताओ? एवीसी क्या होगा? यहाँ पे निकालो तो एवीसी 0, 10 बाय 1, 10, 16 बाय 2, 8, 21 बाय 3, 7, 28 बाय 4. समथिंग 12 पॉइंट समथिंग. ठीक है, तो ये आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज ऐसा कुछ हो रहा है. दिस इज योर एवीसी. This is your MC. Sorry, this is your AC. दो तीन चीज जो वापस हम लोग समझना है. पहला तो एकदम सिमिलर टू टोटल प्रोडक्ट केस है. यहां ध्यान दो, when AC is less than MC, या फिर when AC is greater than MC, then AC is falling. When AC is less than MC, then AC is increasing. Thirdly, when AC is equal to MC, AC is minimum. Same cheese goes for same for AVC and MC. यहाँ तक देखो, यहाँ तक वन है, टू है. यहाँ तक एसी इज मोर देन एमसी, तो एसी फॉल हुआ. जैसे एसी एमसी से कम हुआ, वैसे एसी स्टार्टेड इंक्रीजिंग. देख लो,
क्लियर? इस पॉइंट के इधर और इधर तक सिमिलर थिंग गोज फॉर एवीसी. एवीसी यहाँ पे मिनिमम है जहां पे एमसी इक्वल टू एवीसी. क्लियर? क्लियर? यहाँ से जो ये एम सी का पॉइंट है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स सेट्स इन. डिमिनिशिंग रिटर्न्स सेट्स इन क्योंकि अब मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट्स टू इंक्रीज. व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? एडिशनल कॉस्ट फॉर इंक्रीजिंग वन मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन. Additional cost for increasing one more unit of production. जब average physical product increase होना start होगा, average physical product यानी कि एवरेज, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट यानी कि क्या? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय लेबर, यूनिट्स ऑफ लेबर. जब वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो कॉस्ट डिक्रीज होते रहेगा, क्योंकि पहले क्या होता है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट में एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट याद है? देखो इधर देखो, एवरेज प्रोडक्ट पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, करेक्ट? तो जब एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होगा. जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है यानी कि एपीपी डिक्रीज हो रहा है, एकदम सेम, क्योंकि यह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट्स इन. क्लियर है ये चीज? तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, फिर यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. आज हम लोग इतना ही करेंगे, फिर यहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. कोई भी डाउट है तो पूछ लो. कोई भी डाउट है, आई एम गिविंग यू वन मिनट टाइम. कोई भी डाउट है तो पूछ लो. आज हम लोग इतना ही करेंगे बस. एनी डाउट्स यू ऑल कैन आस्क मी. कोई डाउट नहीं है तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.